बिकॉज ही हैज अ वेरी शार्प मेमोरी, तो वो रिटेन करता है. फ्लैग्स के बारे में यू नो अलॉट. अच्छा ये कुछ फ्लैग्स हैं, ये कहाँ, ये कौन से मुल्क का फ्लैग है? दिस वन अज़रबैजान. अज़रबैजान, वेरी नाइस. अच्छा एंड दिस वन यूनाइटेड नेशंस. वाह जी वाह, यूनाइटेड नेशंस. अच्छा सॉरी मैंने नीचे गिरा दिया, मैं उठा लेती हूँ. ओके एंड अच्छा अच्छा इसमें तो ना खैर माशाल्लाह माई डॉटर इज़ ऑल्सो वेरी क्विक इन रिकग्नाइजिंग द फ्लैग्स. तो ये ना एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है, मुझे नहीं समझ आता. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम जो अपनी ना चीज़ों को स्विच कर जाते हैं कलर्स में, हम भूल जाएंगे. इट हैपेंस विद मी अ लॉट, सो आई नो कि ये कितना डिफिकल्ट होता है. सीरिया. सीरिया, वाओ. अच्छा ये किस मुल्क का फ्लैग है? कुवैत. क्या बात है, ये किस मुल्क का फ्लैग है? कनाडा. वाओ एंड व्हाट अबाउट दिस वन? पोलैंड. अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड. ये बताओ. सीरिया. नो नो, दिस सिसिली. हाँ सही है सही है, एक गलती हुई, एक गलती हुई. नहीं वो उल्टा ऐसे फ्लैग था ना तो उसे हाँ लगा. अच्छा ये मेरी गलती है एक्चुअली, उसकी गलती नहीं है. ही नोज. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है. ये तो बड़ा पॉपुलर है भाई, है ना? पुर्तगाल. यस रोनाल्डो है ना, रोनाल्डो के बारे में पता है? नहीं ही इज नॉट इनटू. अच्छा गेम्स को मेरे को इंटरेस्ट नहीं है. नहीं नहीं राइडिंग और इस चीज के स्क्रीन टाइम नहीं है. स्क्रीन टाइम नहीं है. अच्छा अच्छा, ये कैसे किया वैसे? ये तो हम सबको टिप्स चाहिए भाई, बच्चा स्क्रीन टाइम नहीं करता. बिकॉज इसकी एक बिजी रूटीन होती है, तो उसमें जैसे ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है या स्विमिंग कर रहा है या अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, तो स्क्रीन टाइम अगर इसको मिलता भी है तो वो 15 मिनट रिवॉर्ड टाइम होता है दैट वन के. अगर वो आप सारा कुछ कर रहे हैं वो 15 मिनट्स में इसका बड़ा वो होता है. कैसे इसका पूरा एक आपने पैटर्न डिजाइन किया कि ओके फाइन, व्हेन यू रियलाइज या व्हेन यू you've got the idea ki acha he is very gifted aur fir aapne usko assess karwaya kuch jis tarah se aapne kaha psychologist the and then fir internationally isko kaise recognition mili aur after that ek pura pattern kaise design kiya hai iski you know puri life ko kaise chala rahe ho usko. अच्छा इसमें यह था कि क्योंकि मेरे दूसरे भी बच्चे हैं तो मुझे उनको साथ लेके चलना पड़ता है और उनके साथ एक चीज़ को मुझे वो करना पड़ता है. तो उसमें ये होता है कि जब वो स्कूल चले जाते हैं तो उस दौरान से लेके जब तक वो वापस आते हैं उस टाइम तक हम लोग मिलके घर की सारी एक्टिविटीज़ साथ में कर रहे होते हैं, तो मुझे एक तो हेल्प भी मिल जाती है, दूसरा ये कि ये भी बिज़ी रहता है. हाँ. क्योंकि उसमें ये है ना कि इसका जब दिमाग चलता है तो अगर ये दिमाग ऐसा है कि अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी होती हैं. सर ये डेफिनेटली उसका ब्रेन बहुत जल्दी से एक्स्ट्रा एक्टिव, तो उसमें ये होता है कि अगर हम नहीं तो वो फिर अपने लिए उसके लिए वो तकलीफ दे होता है कि उसका दिमाग चल रहा है और आपको सुनाने से कर नहीं रहा, कर नहीं रहा. तो फिर उसमें ये होता है कि मुझे अपने साथ इसको एंगेज करना पड़ता है. घर के काम वाम भी अगर कर रहे हो तो वो साथ. क्या क्या काम कर रहे होते हो अम्मा के साथ ये बताओ. Not gingerbread man. So what was gingerbread that? Man, wow. Okay, what else do you do at home? Experiments. What are the experiments you do? Lots and lots. Lots and lots of experiments. Wow. So some of them you can name. Can you can you name and explain few? There's so much. Kya baat hai. Achha, can you tell me how many bones are in my hand? Nine. No, no. In hand. One in hand. How many bones are there? Not fingers, like bones.206. No, total bones are there, but in one hand. They are talking about one hand. 27. Yes. Yeah. 27. Good. Good. अच्छा वो confuse हुआ क्योंकि hand था ना, तो उसको लगा कि शायद hand की fingers का. हाँ. No. I was not asking about the fingers, baby. अच्छा जी. और मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा डायमंड्स किस कंट्री में होते हैं? रशिया. वाओ. और हम कौन से टीथ से च्यू करते हैं? मोलर एंड प्ले मोलर. सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? एडा लवलेस. क्या बात है. और सबसे पहला कैलकुलेटर किसने बनाया था? मिस्टर बबेज. मिस्टर बबेज. क्या बात है. और उस फीमेल पायलट का नाम बताएं जिसने 98 गर्ल्स के साथ फ्लाई किया. एम्बिया एयरहार्ट. ओह वाओ. और अच्छा जी अफ्रीका की तीन कंट्रीज के नाम बताएं. चाड, माली, टोगो.
एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और वर्टिब्रा किसे कहते हैं और कितने हैं, कितने होते हैं वर्टिब्रा? 33। ओहो ओहो क्या बात है भाई, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। आई मीन दीज किड्स आर रियली 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 जीनियस, दे आर गॉड गिफ्टेड। और वही बात है कि मेमोरी बहुत शार्प होती है, साथ ही साथ दे कैन रिकग्नाइज थिंग्स अ लॉट। अब एक दफ़ा जो सुन लेते हैं भूलते नहीं है, ऐसे बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, सो दैट्स इजी टू अब्सॉर्ब। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो ये बच्चे वो चीज़ से नहीं गुजर पाते तो वो जल्दी जल्दी चीज़ों को कर लेते हैं। जैसे ही इज़ 4.2 एंड ही इज़ इन ग्रेड 1, ही इज़ गोइंग टू बी इन ग्रेड 2, तो उसमें ये होता है कि इन बच्चों की हर चीज़ क्योंकि एक्सेल्ड होती है, सो दैट इज़ द रीज़न कि एकेडमिकली भी दूसरों से एक्सेल्ड होते हैं।